सब्सक्राइब कीजिए साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो व्यूअर्स, साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप नाम के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सूरज सिन्हा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वीडियो था जिसे मैंने बताया था कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, एक्चुअली प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, कितने टाइप का होता है। उसमें मैंने बताया था कि दो तरह का होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एक आपका नन प्रिम्पटिव हो गया और दूसरा प्रिम्पटिव हो गया। तो वो डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ 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 पहले वो वीडियो देख के देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। आज का जो मेन फोकस है वो है FCFS, जिसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये एल्गोरिथम जो है नेचर में नन प्रिम्पटिव होता है, नन प्रिम्पटिव होता है इन नेचर। मतलब कहने का यह है कि इस एल्गोरिथम में सीपीयू जिस जॉब को, जिस प्रोसेस को एक बार प्रोसेसिंग में लेता है, जब तक उसको फिनिश नहीं कर ले तब तक दूसरे प्रोसेस पर उसका शिफ्टिंग नहीं होता है, और यही वजह है कि इसको नन प्रिम्पटिव कहा गया है। अगर प्रोसेस किसी प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस पर जाए एक खास समय के अंतराल पर, इंटरवल पर, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिम्पशन, और वहाँ पे जो सीपीयू का शिफ्टिंग होता है करंट प्रोसेस से नेक्स्ट प्रोसेस पे, उसको कहा जाता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। लेकिन चूंकि ये आपका FCFS है, यहाँ कंटेक्स्ट स्विचिंग तो आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, तो अब देखते हैं कि इसमें कैसा प्रॉब्लम पूछता है। देखिए, मैं एक टेक्निक पहले बता दूं। वेटिंग टाइम, आपको कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है, जाने का बहुत सारा माध्यम हो सकता है। आप बस से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप किसी अदर मीडियम से जा सकते हैं, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी क्या करता है, कैब पकड़ता है। कैब, कैब मीन्स, कैब का मतलब होता है टैक्सी, याद रहेगा ये टेक्निक, इसको याद रखिए। वेटिंग टाइम को कम करने के लिए कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, यही आपका मेन फोकस है। ये जो मैंने टेक्निक निकाला ये कहाँ से निकाला, कैब वर्ड से निकाला, कैब मतलब टैक्सी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ दो तरह का पैटर्न वन जो क्वेश्चन है, पैटर्न वन क्वेश्चन, प्रोसेस दिया हुआ होगा और उसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ होगा। चलिए यहां मैं लिखता हूं बर्स्ट टाइम। देखिए, यहां पे प्रोसेस का अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है। अब सपोज P1 है, तो P1 का बर्स्ट टाइम मान लेते हैं कि 14 है सपोज, या 13 है, कुछ भी मान लेते हैं, 13 है। एक प्रोसेस है P2 जिसका वेटिंग टाइम मान लेते हैं 16 है, एक प्रोसेस है P3 जिसका वेटिंग बर्स्ट टाइम सपोज 9 है, एक P4 है जिसका बर्स्ट टाइम 10 है, और एक और प्रोसेस है P5 जिसका बर्स्ट टाइम 2 है, ठीक है। तो यहाँ अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है, तो अराइवल टाइम अगर नहीं दिया हुआ हो तो इस चीज़ को, इस अराइवल टाइम को हम लोग क्या मान लेंगे, ज़ीरो मान लेंगे। यही टेक्निक का ये फार्मूला है, ये मेन चीज़। तो अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
पहले आपको गैंट चार्ट बनाना है, गैंट चार्ट। आप जब इसका गैंट चार्ट बनाएंगे तो आप पाएंगे कि देखिए, चूंकि अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा इमेजिन करेंगे कि सारा प्रोसेस आ चुका है, तब सीपीयू को जगाया गया है कि आपको सारे प्रोसेस को मैनेज करना है। तो ज़ीरो से शुरू हुआ एग्जीक्यूशन, हमेशा ज़ीरो शुरू होगा, अराइवल टाइम दिया रहे या ना दिया रहे। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होता है कि अराइवल टाइम किसी का वन हो, पहला प्रोसेस का ज़ीरो ही होगा हमेशा। तो जब ये जब सीपीयू आया तो उसने क्या पाया, पहले किसको पाया, P1 को पाया। तो P1 को उसने बर्स्ट टाइम तक, उसके बर्स्ट टाइम तक एग्जीक्यूट किया, मतलब 13 तक एग्जीक्यूट किया। उसके बाद P2 आया, P2 को उसने उसके बर्स्ट टाइम तक एग्जीक्यूट किया 16 मिलीसेकंड। सपोज मिलीसेकंड ही होता है, लेकिन चलिए कोई भी हम लोग टाइम इंटरवल मान लेते हैं, अगर आप आवर मान लेते हैं वही मान लीजिए, कोई यूनिट ऑफ टाइम है एक्चुअली। तो ये 13 से 16 आगे गया, मतलब 29 तक गया। उसके बाद जब P3 आया तो ये ज़्यादा आगे नहीं जा गया, इसका बर्स्ट टाइम 9 है तो ये 38 तक गया। P4 का बर्स्ट टाइम चूँकि 10 है तो ये 48 तक गया। और P5 50 तक चला गया। मतलब ये जो आपका आगे का चीज़ है ये ख़त्म हो गया। एक चीज़ यहाँ देखिएगा, इसको जोड़ के देखिए, देखेंगे अगर आप तो आप पाएंगे 3, 6, 9, 9, 18, 2, 20, ये भी 50 ही आ रहा है। तो आप पाएंगे कि ये एंड और ये एंड जो है ये इक्वल ही होता है। अगर गैंट चार्ट में ये चीज़ आपने पा लिया तो आप समझ लीजिए कि आप सही राह पर हैं। अब सवाल है कि आप कैसे निकालेंगे कि वेटिंग टाइम क्या है P1 का। अब देखिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ उस फार्मूला को, वेटिंग टाइम मैं निकाल रहा हूँ, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1 तो इज इक्वल टू क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीशन टाइम देखिए P1 का क्या है, 13 है, बिल्कुल 13 माइनस, चूंकि अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है। और मैंने पहले ही कहा है कि अगर अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ हो तो आपको मान लेना है कि सारा प्रोसेस एक ही वक्त में आया है, तो अराइवल टाइम इज इक्वल टू 0 फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। तो अराइवल टाइम यहाँ 0 है प्लस बर्स्ट टाइम क्या है P1 का, 13 है। इसका मतलब कि ये हो गया आपका 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, P1 का कंप्लीट। अगर आप वेटिंग टाइम निकालें P2 का तो यहां भी वही फार्मूला, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, वही कैप पकड़ना है। तो P2 कब कंप्लीट हो रहा है, देखिए P2 के दाहिने देखिए गैंट चार्ट में 29 यूनिट ऑफ टाइम पे खत्म हो रहा है। 29 माइनस 0 प्लस इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 16 है। इसका मतलब हो गया कि 29 में से आपको 16 हटाना होगा, मतलब बच गया 13। अब देखते हैं वेटिंग टाइम ऑफ P3। तो वेटिंग टाइम ऑफ P3 जो है इसमें आप पाएंगे कि ये कंप्लीट कब हो रहा है। देखिए P1 का ये कंप्लीशन टाइम है, P2 का ये कंप्लीशन टाइम है, P3 का ये कंप्लीशन टाइम है, उसी ढंग से P4 का ये होगा और P5 का ये होगा। तो P3 कंप्लीट हो रहा है, पहले मैं फार्मूला लिख लूँ, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस बर्स टाइम। तो कंप्लीट कब हो रहा है P3, 38 में, माइनस अराइव कब हो रहा है, तो 0 ही हो रहा है, सब एक ही समय में आया है, प्लस P3 का बर्स टाइम क्या है, 9 है, इज इक्वल टू 38 माइनस 9, मतलब ये हो गया 29।
अब मैं यहाँ वेटिंग टाइम निकाल रहा हूँ P4 का, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। तो P4 कंप्लीट कब हो रहा है 48 यूनिट ऑफ टाइम में, माइनस जीरो प्लस बर्स्ट टाइम P4 का कितना है 10 है, इज इक्वल टू हो गया 48 माइनस 10 38। इसी ढंग से अगर आप वेटिंग टाइम निकालेंगे P5 का, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, तो P5 का अराइवल टाइम सॉरी कंप्लीशन टाइम क्या है 50 है, माइनस अराइवल तो जीरो ही है, प्लस ये इसका बर्स्ट टाइम क्या है 2 यूनिट ऑफ टाइम, मतलब 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ एक यूनिक चीज़ हुई, एक यूनिक बात यहाँ पे हुई है। यहाँ एक प्रोसेस P5 जो बहुत छोटा प्रोसेस था एक्चुअली, देखिए बर्स्ट टाइम इसका कितना है 2, इसको नन प्रिम्पटिव एल्गोरिथम के वजह से, चूंकि उसके पहले बहुत सारा प्रोसेस, चार प्रोसेस था जो इस एग्जांपल में, तो इन चार प्रोसेसेस के वजह से इसका बर्स्ट टाइम हाई था, तो ये जो छोटा वाला प्रोसेस है इसको बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ गया। दिस लॉन्ग वेटिंग इज कॉल्ड स्टार्वेशन, स्टार्वेशन। तो FCFS एल्गोरिथम जो है ये हम कह सकते हैं कि इट सफर्स फ्रॉम स्टार्वेशन, क्योंकि छोटे प्रोसेस को अगर वो क्यू में बाद में ऐड हुआ है, इफ एनी शॉर्ट प्रोसेस इज एडेड लेटर इन द क्यू, इट मस्ट हैव टू वेट टू गेट द अटेंशन ऑफ द सीपीयू फॉर द लॉन्ग टाइम। इट इज कॉल्ड स्टार्वेशन। मैंने एग्जाम्पल इसीलिए ऐसा ही सेट किया था कि स्टार्वेशन के ऊपर में भी डिस्कशन हो जाए कि कैसे स्टार्वेशन से ये सफर करता है। अब आप देखिए इसमें आप टोटल निकालिए, वेटिंग टाइम ऑफ टोटल प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा, पहले का तो जीरो है, पहले का जीरो है, दूसरे का 13 है जीरो प्लस 13, तीसरे का 29 है प्लस 29, अगले का 38 है प्लस 38, अगले का 48 है प्लस 48। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़िए 8 8 16 9 25 3 28 2 2 1 3 3 2 5 3 8 4 12 128। मैं एक बार फिर से ऐड कर ले रहा हूँ, रीचेक 8 8 16 8 8 16 16 9 25 25 3 28 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12। ठीक है, तो आप पाएंगे कि वेटिंग टाइम जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेटिंग टाइम टोटल बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। आपका वेटिंग टाइम टोटल कितना आ रहा है 128 आ रहा है, सीपीयू को कितना प्रोसेस मैनेज करना पड़ा 5,
तो ये आ जाएगा 5 × 10, 2 बचा, 5×5 = 25, 3 बचा, इतना। ये आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। तो यहां पे इस वीडियो में मैंने आपको FCFS एल्गोरिथम के बारे में बताया, जिसमें मैंने एक ऐसे पैटर्न, एक ऐसे क्वेश्चन का को डील किया है जिसमें अराइवल टाइम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं FCFS पे ही डिस्कशन करूंगा और ये दिखलाऊंगा कि अराइवल टाइम अगर होता है तो क्या होगा, लेकिन वहाँ भी स्टार्वेशन तो होगा ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें, शेयर करें वीडियोस को अपने सोसाइटी में, दोस्तों के बीच, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स अ लॉट।